रविदास पूरे कोने पे पूरा पानी भरा दिया था। हम वहाँ काम कर रहे थे, डिवाइडिंग से पानी खिंचवा रहे थे और ड्रेनेज का पानी पूरा रोड पे फैल रहा था। हम पानी खिंचवा के और वहाँ से बस हम काम ही कर रहे थे, हमें लोगों ने वहाँ से मार के भगाया। पता नहीं सर, बस हम काम कर रहे थे और काम करते करते हमें मार के भगाया वहाँ से। सर अभी एक डेढ़ घंटे पहले, आधे एक घंटे पहले सर पूरा भीड़ निकल के आई थी एकदम गली में से। सलंग आए थे ये। हाँ, पत्थरबाजी हुई थी तो हम भी निकल गए। हम भी निकल के हमारी गाड़ी भी अभी वहीं खड़ी। ये स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, साथ में जो उनको पुलिस बल दिया गया वो भी साथ में था, और एक बुजुर्ग महिला थी, उसको मेडिकल के लिए ले जाना था। उसके बाद में कुछ लोगों ने विरोध किया और विरोध के बाद में यहाँ पर जो काफ़ी लोग जमा हो गए थे और पुलिस बल पहुँच गया है। यहाँ पर समस्त पुलिस अधिकारी है और किसी तरीके की मतलब जो भी बात थी उनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर जब भी कोई किसी को ले जाना हो तो इनको पहले बताया जाए, उसके बाद में ले जाएगी। बैरिकेडिंग तोड़ी हुई है और पथराव भी किया गया है। इस दोनों चीज़ों पर पुलिस अलग से संज्ञान लेगी। लेडी बहुत डरी हुई है, तो मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। नहीं तो हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग तीन दिन से मेरे और डॉक्टर जाके जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव के कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। तो मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम दो टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे, वो अच्छा हुआ। और पूरी पूरी स्पोर्ट्स भी थी, सो दैट्स वाई हम लोग बच के आ गए। अदरवाइज शुरू में अच्छे से हम लोग ने एक की स्क्रीनिंग की बता रहे थे, आंसर दे रहे थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, देख नहीं पाए। हम बहुत डर गए थे, पत्थर हमारे पैर पर जोर जोर से पड़ना शुरू हो गए तो हम कार में अचानक सर लेके हमको निकल गए।